नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपके राशि वालों के लिए कुछ बहुत बड़े और शुभ संकेत आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तीन बड़े शुभ संकेतों के बारे में जो न सिर्फ आपकी जिंदगी में नए उम्मीद जगाएगी बल्कि आपको नई दिशा भी दिखाएंगे। होगा जब ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कैसे बदलेगा आपका रोजमर्रा? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे तैयार रहें इन घटनाओं के लिए? हर घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे इस वीडियो में। जानिए कौन से विशेष दिन और समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। क्या आपको कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है? क्या आपके परिवार में खुशियों का आगमन होने वाला है? और कैसे पहचाने यह शुभ संकेत आपके द्वारा? तो चलिए बिना किसी देरी के ड्राइव करते हैं इन रोमांचक खुलासों में और देखते हैं कि जैसे यह तीन शुभ संकेत आपके जीवन को बदलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लें क्योंकि यहां आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये बड़े परिवर्तन आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन में जब भी बड़े परिवर्तन आते हैं तो वे अपने साथ नई चुनौतियां और अवसर लेकर आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि यह बदलाव आपके लिए शुभ है? हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जो आपको समझने में मदद करेंगे कि अब आपको आगे बढ़ना है और कब सावधानी बरतनी है। इस वीडियो में हम उन तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का भी खुलासा करेंगे जो गारंटी होकर रहेगी। हर एक घटना के पीछे का विज्ञान और ज्योतिषीय पहलू क्या कहता है, यह भी आपको समझाएंगे। जानिए कैसे ये घटनाएं आपके पेशेवर जीवन, व्यक्तिगत रिश्तों और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली है। हम आपके साथ कुछ व्यावहारिक भी साझा करेंगे जिससे आप इन शुभ संकेतों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकें। जानिए कैसे आपकी राशि के ग्रह आपको सफलता की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो तैयार हो जाएं एक रोमांचक और परिवर्तनकारी यात्रा के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। और आप सभी जय श्री महाकाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइट आपको महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं कि जीवन के सभी दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। जो शत्रु आपको परेशान करते थे, जो आपको बेकारी समझते थे, नंगा फकीर समझते थे, वे लोग आपकी तरक्की को देखकर जल 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 कर मिट्टी में मिल जाएंगे। हार्मोन का अंतिम समय आ गया है, उनके रंग के दिन शुरू हो गए हैं। अब आपके सारे दुश्मन आपके आगे घुटने टेक देंगे और आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको सचेत करते हैं कि अब दोबारा आप उन पर भूल कर भी भरोसा मत करना। आपने पिछले समय में आंख मूंद कर उन पर भरोसा किया था और उन्होंने आपके दिन और रात को नहीं देखा। जब भी उनका काम लगता था वे आपको बुला लेते थे, चाहे रात हो या अध्ययन। आप भले इंसान, सच्चे दिल के इंसान ने उनके एक बात से चले जाते थे। और दोस्तों आप देखिए वे ही इंसान कैसे बदल गया है। जब भी आपको उनकी जरूरत लगी उन्होंने आपको पीठ दिखा दे। वे आपकी तरक्की को देखकर जल रहे हैं, आपकी राहों में गड्ढे खोद रहे हैं, आपको गिराने के लिए उन्होंने हजार रास्ते अपनाए हैं। लेकिन दोस्तों इतने गड्ढे खोदने के बावजूद भी आप भी धीरे धीरे बच रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शनि देव, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आपने अपने जीवन में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास टूट रहा है। आपने भक्ति में हर चीज दी है जो आपसे हो सकता था। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपने हर कार्य किया है, अपने हर जगह ईश्वर का प्रचार प्रसार किया है। दोस्तों आपने कभी भी दूसरों के प्रति बुरा भाव नहीं रखा है। यही आपके अंदर के अच्छे गुण हैं, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ और शनिदेव प्रसन्न हो चुके हैं। शनिदेव तो न्याय के देवता हैं। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं,
उनमें से भोलेनाथ और शनिदेव का नाम सबसे पहले आता है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे सभी जातकों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। छह काम बालों को अच्छे फल और बुरे काम करने वालों को दंड भी देते हैं। दोस्तों, शनिदेव की लाठी पड़ने पर अच्छे अच्छों की बीत जाती है। अब आप दुश्मनों की बारी आ चुकी है। अब उनके अंतिम समय आ गया है। अब आपको तरक्की मिलेगी और आपके दुश्मनों का समय खत्म होगा। अगले 48 घंटे में भगवान शनि देव और भगवान भोलेनाथ आपको कौन कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं और कौन कौन से लाभ आपको मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को सच्चे मन से अंत तक देखिएगा। ऐसा नहीं है, कि वीडियो को आधा अधूरा देख कर छोड़ दे। इसमें बताई गई हर बांध ग्रह गोचर के आधार पर बताई गई है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें अपना हर एक काम समझाने में समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वे कभी नहीं मानेंगे। आप काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आने वाली जरूरत के कारण योजनाओं में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। स्थिति की मांग के अनुसार कार्य करें। आपके आसपास कोई बीमार हो सकता है, उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है। चिंता न करें, उसकी मदद करने से आपका भी भला होगा। आज आपको छोटे मोटे संक्रमण से सावधान रहना होगा। अपनी या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आपका पार्टनर मददगार रहेगा। अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखने के बजाय प्रियजनों के साथ बांट लें, इससे तनाव कम होगा। अगर आपके और पार्टनर के बीच कोई बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इसे सार्वजनिक नहीं करेगा। आप धर्मार्थ कार्यों में शामिल हो सकते हैं, जिससे समय और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। आपको यह निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ अरे से जोड़कर कुछ करना चाहते हैं या कार्य क्षेत्र में वापस आकर धन वृद्धि करना चाहते हैं। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। शराब का सेवन न करें। नशे में कीमती सामान खो सकते हैं। जीवन साथी के मामलों में ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। उसका अनुमोदन लेकर समस्या हल कर सकते हैं। आपका प्यार नई ऊंचाइयों को छुएगा। दिन की शुरुआत लिए की मुस्कान से होगी और उसके सपनों में ढले घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताएं। जीवन साथी के साथ आज का दिन विशेष हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आपके परिजन सप्ताहांत में कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन शांत रहना आपके लिए बेहतर साबित होगा। ग्रहों की स्थिति आपको सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करें, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। यात्रा से थकान और तनाव हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ ले। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें। आज का दिन कभी नहीं भूलेंगे। प्यार में डूबने के मौके को गवाएं, नहीं किसी पुराने सामान को देखकर खुश हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज का अध्ययन रोमानी हो सकता है। जब परिजन सप्ताहांत में कुछ करने के लिए मजबूर करें तो शांत रहना आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको सामाजिक होने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों से बातचीत के माध्यम से जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। आंखों का विशेष ध्यान रखें, खासकर जिनका काम आंखों पर निर्भर करता है। अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना अच्छा विकल्प है। सामाजिक होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जिसकी प्राथमिकताएं और रुचियां आपसे मेल खाती है। नए रोमांटिक साथी के साथ खुश महसूस करेंगे। अकेले होने के इस दौर में अपने पार्टनर को प्यार करने के बेहतर तरीकों बारे में सोचे। करियर में आने वाली बाधाओं को पार करेंगे। सफलता सहजता से आएगी, लेकिन ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यात्रा से थकान और तनाव होगा, लेकिन आर्थिक लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का आनंद लें।
लोगों की समस्याओं से दूर रहें, मानसिक शांति बनाए रखें। अगर प्यार में डूबने के मौके को गवाएं ना तो पुराने सामान को देखकर खुश हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका एक रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, परिजन सप्ताहांत में कुछ करने के लिए मजबूर करें तो शांत रहना आपके लिए बेहतर साबित होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समाज एकता में रुचि दिखाएं, दूसरों से बातचीत के माध्यम से जीवन शैली में बदलाव लाना चाहते हैं, शराब का सेवन न करें। यात्रा से थकान और तनाव हो सकता है, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे दिन का आनंद लें। लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करें, मानसिक शांति बनाए रखें। आज का दिन कभी नहीं भूलेंगे। में डूबने के मौके को गवाएं नहीं, पुराने सामान को देखकर खुश हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। आपकी सेहत अच्छी लग रही है, मनपसंद खाना खाकर आनंद लें, शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। यात्रा से थकान और तनाव हो सकता है, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। सामाजिक और रोमांटिक जीवन में सुधार करें, आज का दिन आराम के नाम कर दे, खुद के अतिरिक्त देखभाल में है। ब्यूटी सेशन बुक करें या स्पा की सेवाएं ले, अपने पार्टनर के भले के लिए बात करें, शांति से पेशा है। सूझे हुए व्यवहार के कारण सम्मान मिलेगा। मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे अच्छा इलाज है। रिश्तेदारों के साथ बिजनेस करने में सावधानी बरतें। इंडियन खुश है, उनके साथ शाम की योजना बनाएं। प्यार की काली फूल बन सकती है, सेमिनार और प्रदर्शनी से नई जानकारियां मिलेंगी। जीवन साथी आपको प्यार का एहसास दिलाना चाहता है। सामाजिक होने का मौका मिलेगा, जीवन में कुछ नया करने का समय है। सोच समझकर कदम उठाएं, सामाजिक होने का मौका मिलेगा। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से जीवन शैली और करियर में बदलाव लाना चाहते हैं। आप अपने साथ ही की किसी विशेष हरकत से हैरान हो सकते हैं। अगर आप अक्सर अंतरंग डिनर पर जाते हैं तो आज का दिन भी एक मजेदार लेकिन पारिवारिक डिनर के लिए उत्तम है, जहां पूरा परिवार साथ हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो इस नए व्यवहार से उनके बारे में नई बातें जानने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य के निर्णय में मदद मिलेगी। आज आपके सितारे कार्यस्थल पर प्यार की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन बेहद सावधान रहें, एक गुप्त काम आपके और आपके साथी के बीच दरार पैदा कर सकता है। अपने साथी को गोपनीयता के कारणों को समझाने की कोशिश करें, आपका समर्थन करेंगे। आज आप बहुत जल्दबाजी में हैं, इसलिए अपने कामों को निपटाने की गति धीमी करें, ताकि गलती न हो। ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं और कर रहे हैं। सभी बारीकियों पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आते बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग कर रहे हैं। जुनून और दीवानगी आज के दिन का पर्याय रहेगा। आप अपने साथी को असाधारण और अविश्वसनीय प्रेम से आश्चर्यचकित करेंगे और इसके लिए पुरस्कृत भी होंगे। आप खर्च में और प्यार के कार्य में दोनों में उड़ना रहेंगे, जिससे आपके साथी में एक भावुक और
दीवानगी की प्रतिक्रिया पैदा होगी। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता कुछ कारण के कारण प्रभावित हो रही है। आज का दिन साहस दिखाने के लिए उत्तम है। आपका भाग्य आपके साथ है। निवेश करने का सही समय है। सच्चा प्यार मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। खांसी और ठंड से परेशानी हो सकती है। शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और अब इसका हर पल आनंद लेंगे। एथलेटिक और खेल संबंधी गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की आवश्यकता होगी। इस समय बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास कराएं और कड़वा बोलने से बचें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सबसे कीजिएगा। लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। छोटी छोटी शिकायतें और मुद्दे एक तरफ रखें, आपके व्यवहार रिश्ते पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें जो भविष्य के लिए उपयुक्त हो। व्यवसाय के लिए है, समय शुष्क है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न करें। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं और आपकी अच्छी ग्राहक सेवा ग्राहकों को बार बार वापस लाने में सक्षम है। आपके नियंत्रण में है क्योंकि आप सरल तरीकों से खर्च का निर्वाह करते हैं। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आंखों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर जब काम में आंखों का उपयोग अधिक होता है। थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना अच्छा विकल्प है। संबंधों में स्पष्टता से देखने और निर्णय लेने के लिए बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को सिर्फ सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। अगर आप इससे खुश नहीं हैं, तो इस रिश्ते से बाहर आने का सही समय है। व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। सामाजिक संपर्कों पर ध्यान दें। आकर्षक व्यक्तित्व का संपर्क प्रभाव पड़ेगा। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। वजन बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करें। अपने आहार पर नियंत्रण के बावजूद भारीपन महसूस हो सकता है। अपने संबंध को अगले स्तर पर पहुंचाने का समय है। अगर सिंगल हैं, तो किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। अगर पहले से जुड़े हैं तो शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। हालांकि आपको खुद पहल करनी होगी। दिल और दिमाग के बीच निरंतर युद्ध चल रहा है कि नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय के ऐसे लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और मन को शांत करने के लिए कुछ रहे बिना सोच के खर्च करेंगे तो वित्तीय परेशानी हो सकती है। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। जिस योजना पर काम कर रहे थे वे आज फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ बाहर जा सकते हैं। वित्त संबंधी फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अगली वीडियो के लिए सुझाव देना न भूलें। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सीखते रहें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान न करना। मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी बड़े किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्मों का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते थे। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़े व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते रहते हैं।
अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते रहते हैं, लेकिन इन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान न करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, है लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे तो शनि बहुत नाराज होंगे, शनि की साथी का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे मित्र ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव देव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों, तो मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता, शनिदेव प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, तो शनिदेव मान सम्मान के भगवान है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े, लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दे, एक सुबह जल्दी उठना शुरू कर दे, नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट लेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती है। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, किए गए दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए कि दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए, आइए देखिए दान किसे कहते हैं। दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, चाहे आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। यह बात सोचकर आगे चलना है और हर किसी के दिल में जगह बनानी है, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों न होना, उसके साथ भी दो मीठे बोल बोल कर तो देखिए वह भी आपकी तारीफ में अपना सर झुका देगा। इन लोगों को यह बात समझनी चाहिए जो मिथुन राशि के हैं कि बड़ों का सम्मान ही आपकी सफलता की चाबी है। आप जितने बुजुर्ग लोगों का सम्मान करेंगे, ग्रह गोचर उतना ही अच्छा फल आपको देंगे। आपका भाग्य प्रतिशत 77% तक आपके साथ है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। बस आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मेहनत का इनपुट इसके अंदर डाल दें, फिर देखिए आप कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अब समय आ चुका है उपाय के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमका आएंगे, जिसमें सबसे पहले उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा। देखिए, गुरुवार का दोस्तों दिन होता है, वह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु से संबंधित होता है, लेकिन बुधवार
शनिवार का दिन है, वह बप्पा को समर्पित है और बुध ग्रह से भी इस का नाता है, तो बुधवार के दिन आपको आठ अर्थ के फूल गणेश जी को समर्पित करनी है। तीन सुपारी आप उन्हें अपने पिता करें, वहीं पर भोले बाबा का अभिषेक करें। दूध से जल से आपका काम होगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक रुपए का सिक्का लेने और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखते हैं। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उसे सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उसे सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख ले। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपका सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। तो मित्रों, हमारे गुरुजी के हित में है कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करना सीख जाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है। उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मित्रों, लंबे समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे, आपको सुकून मिलेगा और किसी विशेष व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बनेंगे, और आप अपने विचार शैली तथा दिनचर्या में जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मन मुताबिक सफलता मिलेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी पर भी अधिक भरोसा न करें तथा अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। यदि आप अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, तो यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से समाज व रिश्तेदारों में आपकी आलोचना व बदनामी करने के प्रयास कर सकता है, तो कोई अशुभ समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा, मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी, और आप कोई चीज का ध्यान रखना है कि व्यवसाय में अधिक पैसा लगाएगा। नए काम शुरू करने से पहले वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें और कर्मचारियों तथा सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। ऐसा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जरा सी गलतफहमी आपसी संबंधों को खराब कर सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा रहेगा और कार्यशैली पर भी पद रहेगा। मित्रों, पारिवारिक कार्य में आपका सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा और प्रेम संबंधों में प्रधानता रहेगी। आपको बता दें कि अनुभवी तथा खुशमिजाज लोगों के संपर्क में रहे रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के संपर्क में रहना आपके वातावरण को सकारात्मक बनाएगा, जिससे आपके विचार शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और यदि कोई रुका हुआ काम है, तो उसे रुके हुए काम को पूरा होने से आपकी चिंताएं, आपका तनाव कई हद तक काम होगा दूर होगा। साथियों को किसी प्रतियोगिता में आदि में की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मेहनत के परिणाम मिलने का समय अब आ चुका है। लेकिन आपको ध्यान रखना ही कि दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता सर्वोपरि रखें, तो बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा। साथ ही कोई भी नया कार्य करने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह विचार कर लें, फिर चाहे वह पहलू नकारात्मक हो या सकारात्मक। आपको एक चीज का जीवन में विशेष ध्यान रखना है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि यदि आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, तभी जीवन में कुछ सकारात्मक सोच पाएंगे और व्यावसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार का निवेश आपको इस वक्त नहीं करना है। यदि आप करना चाह भी रहे हैं, तो बहुत सोच विचार करके करें, क्योंकि इस समय नुकसानदायक स्थितियां बनी हुई है और साझेदारी संबंधित कार्य लाभदायक स्थिति में रहेंगे। मित्रों, नौकरी में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी आ सकती है और दाम्पत्य जीवन जो है वह खुशनुमा रहेगा। केवल प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, रिश्ते वक्त और कद्र और सम्मान तीनों मानते हैं।
और यह तीनों आपको देने की बहुत जरूरी है। कभी कभी थकान की वजह से कमजोरी रह सकती है, तो कुछ समय अपने स्वयं के लिए भी निकालना बहुत जरूरी है। और किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और विषय समस्या का समाधान भी निकलेगा। आपको ध्यान रखना है कि व्यवस्था के बावजूद आप संबंधों तथा मित्रों के साथ संपर्क बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।